आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अब तो अमेरिका में भी गौतम अडानी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। प्रदेश के प्रधानमंत्री चुप हैं और किस तरह से गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी से 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के महंगी बिजली बेचने का आरोप लगाया है। वहीं अगर बात की जाए तो अब देश की संवैधानिक एजेंसियां चाहे CBI हो, एड हो या SEBI हो, अब सब मौन क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पर चलती है और गौतम अडानी उनके अपने हैं, जैसे गंभीर आरोप लगाए। कल एक और बात हैरान करने वाली सामने आई, जब आप उस पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़िएगा कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से वहां की जांच एजेंसी ने बताया कि भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत खिलाकर, जिन अधिकारियों के नाम पता है, कितने अमाउंट दिए गए वो पता है, सब कुछ जानकारी है, ये सारी जानकारी उस जांच के आधार पर सामने आई और उसमें ये बताया गया कि सागर अडानी जो भतीजा है उसने पैसे खिलाकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली जनता को बेचने का काम किया। यानी प्रधानमंत्री जी के दोस्त 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा सोलर प्लांट के जरिए राज्यों को बिजली सप्लाई करने का ठेका पाते हैं, लगभग 5 राज्यों में उनको ये ठेका मिलता है और उन 5 राज्यों में और केंद्र की मोदी सरकार से ठेका लेने के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाते हैं। उन अधिकारियों के फोटो मौजूद हैं, उनको कितनी रिश्वत दी गई इसकी जानकारी मौजूद है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सागर अडानी अपने कंपनी के लोगों को बताता है कि इतनी रिश्वत इसको दी गई और ऐसे ऐसे ठेका हासिल किया गया, उसके प्रमाण मौजूद हैं। और सारे साक्ष्य होने के बाद जब अमेरिका की जांच एजेंसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया गौतम अडानी के खिलाफ, सागर अडानी के खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ, विनीत जैन के खिलाफ, इन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, तब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कि आखिर ये कैसे हो गया। उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि एक खबर प्रकाशित हुई मार्च 2024 में कि अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। यह मामला 2024 के मार्च महीने में प्रकाशित हुआ और उसके बाद भारत के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अडानी को यह जानकारी देनी थी कि उनके खिलाफ दुनिया के किस हिस्से में जांच चल रही है, कौन सी जांच चल रही है, किस भ्रष्टाचार में जांच चल रही है, किस कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन अडानी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखी, अपने हाथों से चिट्ठी लिखी और कहा कि ये खबरें झूठी हैं, बेबुनियाद है, मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही और अब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया। तो दो सवाल इससे बनते हैं कि भारत की SEBI क्यों खामोश थी, भारत की जांच एजेंसियां CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो छोटी छोटी बात पे राज्यों के मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लेते हैं, तुरंत किसी का गर्दन पकड़ के जेल में डाल देते हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बावजूद भारत में जिन अधिकारियों को रिश्वत दी गई उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? भारत की जनता से जो हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली बेच के जनता को लूटा गया उसकी जांच क्यों नहीं की गई? अडानी और गौतम अडानी और सागर अडानी ने जो रिश्वत खिलाई उन दोनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जब SEBI को सारे सच्चाई का पता चल गया तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं? और आपने देखा केन्या जैसे देश जहां संसद के अंदर बवाल हुआ क्योंकि नियमों में बदलाव किया गया, वही बदलाव हिंदुस्तान में किया गया। एयरपोर्ट का ठेका पाने के लिए नियम था भारत के अंदर कि आपको एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उस नियम में अडानी को ठेका देने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने बदलाव किया
ये है सच्चाई। तो जो लोग आपको समझाते हैं भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, उन्होंने अपने इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े चोरों और डकैतों को पाल रखा है, ये इस देश की जनता को पता होना चाहिए और पूछना चाहिए आपको। आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं अडानी को ठेका दिलाने के लिए, आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, आप अडानी के प्रधानमंत्री हैं। और अब आपके नारे का मतलब भी समझ में आ गया कि एक है तो सेफ है, आप एक ही बंदे को सेफ करने में जुटे हुए हैं चारों तरफ से। तो इसलिए ये कुछ नई जानकारी और तथ्य सामने आए थे, तो मैंने सोचा कि मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए।